देखा जा ध्यान से थोड़ा। अब ये समीकरण को पांच विधि से बनाया जाता है, ये समीकरण है इसको पांच विधि से। पहला विधि देखिए, पहला विधि है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक दूसरा विधि है क्या प्रतिस्थापन, अगला विधि क्या है लुप्तीकरण, लुप्तीकरण विधि है कि नहीं है वो। अगला विधि क्या है वज्र गुणन, अरे मार करो गड़बड़ा रहा है। पांच नंबर अगला विधि क्या है अनुपात निर्णय, यही ना है तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण का एक और नाम है विलोपन, लुप्तीकरण का एक और नाम है विलोपन, और एक है वज्र गुणन, एक अनुपात निर्णय। ठीक है चलिए हम एक एक करके एक एक सवाल हल करते हैं। ठीक है ध्यान दीजिए थोड़ा, आइए एक सवाल लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 14, एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 4, इस समीकरण एक, इस समीकरण दो। ठीक है ये समीकरण एक हो गया, इस समीकरण दो हो गया। ठीक है चलिए तो पहले हम सबसे आसान विधि आपका लुप्तीकरण इसको करा देते हैं, फिर प्रतिस्थापन करा देते हैं, फिर तुलनात्मक करा देते हैं। ठीक है उसके बाद ये और ये कराएंगे। ठीक है चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लुप्तीकरण विधि करते हैं। लुप्तीकरण इसको बोलते हैं हम लोग विलोपन, विलोपन विलोपन विधि बोलते हैं ना। किसी किसी के पापा में दो नाम रख देते हैं ना, शायद इसको भी वही बात है। चलिए देखा जाए तो ये देखिए लुप्तीकरण या विलोपन हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक में से दो को घटाते हैं या समीकरण एक और दो को जोड़ते हैं। जोड़ने या घटाने पर आप लोगों को क्या जाना चाहिए, ये वो एक्स चर, एक चर जो होना चाहिए, दो चर होता है ना तो एक चर जीरो हो जाना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर एक चर जीरो हो जाना चाहिए, ध्यान समझिए। समीकरण एक या दो को, एक और दो को हम लोग जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, जोड़ने या घटाने के क्रम में या एक चर जो होना चाहिए एक्स या वाई वाला जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, अगर ये देखिए ये भी ये एक्स और ये एक्स है दोनों को जीरो करना है, कैसे जीरो होगा, इस समीकरण का ही समीकरण दो है, अलजेब्रा का जोड़ आता है नहीं आता है, आता है कि नहीं, अगर आता है तो देखिए, नहीं आता है तो यूट्यूब पे भी टाइप कीजिए कैंसिल करके अलजेब्रा का जोड़ घटाओ बाई एस पी यादव, अलजेब्रा का जोड़ घटाओ बाई एस पी यादव देखिए। ठीक है समझ रहे ना, बीजगणित का जोड़ घटाओ बाई एस पी यादव उसको देख के आइए पहले समझिएगा। चलिए तो जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो एक्स एक्स टू एक्स वाई 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 और माइनस वाई जीरो, एगो चार जीरो हुआ ना, हुआ कि नहीं जीरो हो गया, एकदम हो गया। तो जोड़ने पर तो लिखेंगे क्या, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर क्या, जोड़ने पर आइए तो जोड़े एक्स प्लस वाई बराबर 14 हो गया, एक्स माइनस वाई बराबर 4 हो गया, जोड़ेंगे तो एक्स और एक्स, एक्स क्या गया क्या प्लस, एक्स क्या है क्या प्लस, प्लस प्लस जुड़ता है घटता है, जुड़ता है तो एगो क्या गो दू गो एक्स, ये प्लस में वाई माइनस वाई घटेगा गया, अभी देखिए बराबर ये 14 प्लस 4 प्लस कितना हो गया 18 आए, तो 2x बराबर 18 तो x बराबर कितना 18 गुणा में लाके भाग में 2 तो x बराबर कितना हो गया 9, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए क्या कहना है, जोड़ने पर दोनों को जोड़े हैं तो जोड़े हैं तो x x दोनों 2x हो गया, ये y प्लस में है ये y माइनस में है, क्योंकि x प्लस में है प्लस, तो प्लस प्लस जुटेगा ना भाई, तो 14 प्लस में 4 प्लस में तो प्लस प्लस जुटेगा ना, इना कहिएगा प्लस 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 माइनस प्लस माइनस नहीं, गुना में प्लस प्लस प्लस, इसमें प्लस प्लस जुटेगा माइनस प्लस घटेगा। ठीक है ये याद रखिए। चलिए अब हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, चर दो तो दो गो मान निकलेगा, एगो एक्स का एगो वाई का, कि दो गो चर है तो दो गो होना चाहिए। तो समीकरण ये लिखेंगे एक्स का मान, समीकरण एक या दो गुणों में रख दीजिए, समीकरण एक में रखने पर इतना चीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा। चलिए तो x का मान समीकरण एक में, समीकरण एक क्या है देखिए ध्यान से, x प्लस वाई बराबर हो गया 14, अब जहां x है वहां रख दीजिए 9, x है वहां रख दीजिए 9, x जब 9 प्लस में हो गया y बराबर में हो गया 14, अभी 9 में y जुटेगा क्या होगा 9y कि 10y, अरे भाई यह चर पद यह चर, चर में चर कहीं जुटेगा, अगर y है तो 9y रहना चाहिए तो ना जुटता, ये 9 को उधर भेज दीजिए 14 के साथ,
बेटे चलिए तो वाई जो वाई रह गया बराबर का 14 ए बराबर से पहले 9 का थी प्लस में उधर जाके माइनस में तो वाई बराबर हो गया 5 ये 9 ना है वो तो वाई बराबर हो गया आपका 5 कोई दिक्कत नहीं ना सर साबित कैसे करेंगे एक तरह एक जरूर कहिएगा सर 1 में नहीं 2 में रखेंगे सर 2 में आइए 2 में रख देते सभी करने x का मान समीकरण 2 में क्या x - y बराबर कितना 4 x के जगह पे कितना हमने निकाला है 9 रख दें माइनस y बराबर कितना 4 कोई दिक्कत नहीं ना अरे x के जगह पे 9 रखें माइनस y के y लिखें और ये 4 में 9 उधर भेजें चलिए भेजते हैं y कितना है माइनस में है बराबर में क्या है 4 है ये प्लस में 9 उधर आके माइनस में 9 माइनस y बराबर कितना आ जाएगा माइनस 5 और माइनस से माइनस कैंसिल y बराबर कितना आ गया 5 और देखो ये आ गया आंसर इतने रंग ना आना गया अच्छा सुनिए एक चीज और यहां का चिन्ह नहीं दे रहे हैं आप लोग अरे हम नहीं दे रहे हैं बताइए चलिए हो गया आपको दिक्कत यहां का चिन्ह समझ में आया बढ़िया से अब कहिएगा सर जोड़ने पर किए हैं घटाने पर एक बार बताना दीजिए तो चलिए बता देते आइए आइए देखिए क्या x plus y बराबर 14 यहां लिखेगा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर आइए x minus y बराबर 4 है तो घटाते हैं तो क्या करते हैं अलजेब्रा घटावाता है ना ऐसे ना करते पहले देख के अलजेब्रा घटा घटाते हैं चलिए तो घटाओ के लिए हम क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं जिसको घटाते हैं ना जिसमें से तो जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह तो किसको घटा रहा है ये पूरा समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा है तो 2 का चिन्ह बदलाएगा समीकरण 2 का चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा बताइए ना बदल देते हैं अब देखिए ये x के आगे क्या प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस क्योंकि जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह बदलते हैं चिन्ह बदलना नहीं कैसे बदल देंगे जी भाई नियम है माइनस से गुणा कीजिए नियम है माइनस से गुणा कीजिए तो देखिए ये यहां इसके आगे प्लस प्लस में माइनस से गुणा किए माइनस यहां क्या माइनस अब माइनस से माइनस से गुणा किए प्लस अब ये क्या प्लस प्लस में माइनस से गुणा किए माइनस डाटे से देखिए प्लस होगा तो माइनस होगा तो प्लस की कोई दिक्कत ना ना आइए घटाने में यही करते हैं एक बार और मिटा के चलिए ये x के आगे क्या प्लस ये है ना तो क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा ये y के आगे माइनस तो क्या जाएगा प्लस ये घटाने पर ही ना घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अभी 14 में से 4 को प्लस में इधर आके अब हो गई चिन्ह बदलेंगे तो माइनस हो गया अब क्या करते हैं तुलना कर देते हैं ठीक है अभी देखिए x प्लस में x माइनस में x प्लस में x माइनस पहले x से बोलो हो गया प्लस माइनस x खत्म कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं ना औखिन ना आ रहा नहीं आ रहा देखिए ध्यान से थोड़ा सोलो पढ़ा रहा है इसलिए ठीक है अब देखिए y के आगे प्लस y के आगे कहिएगा सर y के आगे तो माइनस अरे y के आगे माइनस कहां से अभी माइनस था तो चिन्ह बदले ना भाई चिन्ह बदले कि ना देखो ऐसे बना ये x प्लस y बराबर ये देखिए बराबर है ना तो इसको माइनस में जोड़ लिया इधर और घटाने के समय क्या करते हैं ये x माइनस y आ देखिए ये प्लस से 4 जरा के माइनस 4 अब देखिए माइनस से क्या गुणा करें माइनस से गुणा करें माइनस x माइनस से गुणा किए माइनस प्लस 14 माइनस माइनस प्लस 4 हुआ कि नहीं माइनस से गुणा होता है क्या होता है तो चिन्ह पहले का चिन्ह खत्म हो जाता है तो गुणा करेंगे तो पहले वाला चिन्ह गायब पहले गायब कर दीजिए बीच वाला अब देखिए ये हो y प्लस हुआ तो y y कितना 2y अब कहीं अब ये 14 क्या है कथी है प्लस 4 क्या है कथी है प्लस नहीं 4 क्या है माइनस पहले प्लस था पहले का चिन्ह को बोलिए नहीं माइनस तो प्लस और माइनस घटेगा 14 में से 4 गया अरे 10 अब y बराबर क्या हो गया ये 10 ये 2 क्या कर रहा है यहां पे गुणा कर रहा है y के साथ उधर जाके भाग में कान पकड़ के ले जाइए ठीक है मालूम है ना x का मान आता है कि ना निकल रहे हैं y के मान देखिए यहां भी आ गया 5 बताइए तो उधर बात था अब यहां y के मान क्या लिखेंगे y के मान समीकरण किस में समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो या 2 में रखो कोई दिक्कत नहीं कोई कष्ट नहीं 1 में रखो चाहे 2 में रखो कोई दिक्कत तो समीकरण x क्या है 1 प्लस x प्लस y बराबर है ना 14 अब देखिए x के जगह पे x कुछ नहीं प्लस y के जगह पे क्या 5 बराबर 14 अभी 5 को उधर भेजो क्योंकि x से 5 छूटेगा नहीं x बराबर 14 इधर प्लस में जाके माइनस 5 तो x बराबर कितना आ गया 14 में से 5 गया 9 अरे भाई यही हो वही आंसर आया ना घटाने पर भी वही आंसर जोड़ने पर वही आंसर क्या अरे कि ना समान आंसर कोई दिक्कत नहीं ना चलिए अब हो गया आप लोगों का ये आप लोगों का क्लियर एक सवाल और करा देते हैं ना चलिए देखा जाए इसका लिए कि लिया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके थोड़ा बैक करके इसको नोट कीजिए कर लीजिए आइए दूसरा सवाल हम ले लेते हैं और उसको बनाते हैं ठीक है दूसरा सवाल हम लोग क्या ले लें दूसरा सवाल हम इसी में से ले लेते हैं
ले लेते हैं दूसरा सवाल, क्या ले लें, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2 बराबर 2 ना, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण एक ही समीकरण 2। अब कहिएगा सर जी बताइए तो इनका जोड़ने घटाने पर ना ना जोड़ने पर कौन घट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, घटाने पर भी नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, आप क्या करें कि x वाला को पहले एक रन करें, x के जो अचर हैं, x के जो अचर, x के साथ के जो गुणांक है, x के गुणांक को एक रन करें, ठीक है, या y के गुणांक को, ठीक है, अगर जोड़ना है तो देखिए जोड़ेंगे तो ये दोनों गोल हो जाएगा, अगर दोनों को गुणांक को एक रन कर दिए तो, अगर घटाना है, ठीक है, दो रंग का चिन्ह रहेगा ना, दो रंग का चिन्ह तो उसको जोड़ेंगे अपने कट जाएगा जीरो हो जाएगा, आज दोनों में एक रंग का चिन्ह है तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम दोनों विधि बता रहे हैं। अब देखिए ये क्या 3x, ये क्या 2x, अब इसमें दोनों को एक रंग करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर दिए इसमें 3 से, तब ना ये दोनों देखिए इसमें ये 2 यहाँ ले आए और ये 3 यहाँ ले आए, अब 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x, ये 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6x, 6x पहली गोल होगा कि नहीं होगा गोल, अरे घटाने पर ना होगा गोल, घटाएंगे तो गोल हो जाएगा, जोड़ने पर नहीं, अगर जोड़ने पर लाते हैं तो इसको कीजिए इसको, क्योंकि एगो माइनस है प्लस, एगो प्लस होगा माइनस है कि नहीं है, देखो प्लस होगा माइनस है तो इसमें सिर्फ 2 से गुना करेंगे, इसमें सिर्फ 2 से गुना करेंगे तो 4 ऑलरेडी यही है, इसमें 2 से गुना 3 दूना 4 भाई हो जाएगा, तो ये प्लस 4 भाई माइनस 4 भाई, समझ में कुछ दिमाग में भेजा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है भाई लोग, देखो यहाँ पर हम बोले हैं ना कि जोड़ने और घटाने के क्रम में एगो चर जीरो हो जाना चाहिए, वही करने के चक्कर में लगे हुए हैं, कैसे होगा सो आसान सबसे वही है कि एक्स वाला को जीरो कर लीजिए, आसान है कि एक्स वाला को आप जीरो कर लीजिए, तो यहाँ 3 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2, अब गुणा कीजिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण एक में दू से, एक में दू से तथा समीकरण दू में 3 से गुना करके घटाने पर, इतना लैंग्वेज लिखना होगा, समीकरण एक में दू से तथा समीकरण दू में 3 से गुना करके क्या करना है, घटाना है, घटाएंगे इसे लेकर दोनों प्लस प्लस है तो घटाएंगे तब ना माइनस हो जाएगा, आइए लिख 3 दुना इनो तो खाली यही में गुना करिए, सब में गुना करे कहीं, सब में गुना करना है, मानो है ना, चलिए तो 2 दिया है 6x प्लस 2 चौका 8y बराबर 2 दहाई 20, 3 दुना 6x माइनस 3 दुना 6y बराबर 3 दुना 6, वाह हो गया, देखो 2 दिया है 6 प्लस था लिख दिए, 2 चौका 8y, 2 दहाई 20, 3 दुना 6, 3 दुना 6, 3 दुना 6, सब 6 6 6, अब तो घटाना ना है, जोड़ना है, घटाना है, तो देखिए इसका आएगा प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका आएगा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस नहीं दिखता प्लस छिप हो रहा था, ठीक है चलिए अब देखिए ये प्लस 6 वाई माइनस 6 पहली रूल हो गया गोल, पहली गोल कहे ना कि ये को गोल करना है, ये वो चर को या एक्स चर हो या वाई चर हो जीरो उसको कर दीजिए ना तो अपने मान निकल जाएगा ये होगा, अब देखिए ये हो 8 प्लस में है 8 वाई और 6 वाई प्लस की माइनस, माइनस की प्लस भाई माइनस नहीं प्लस, माइनस पहले था, पहले वाला चिन्ह को पहले गोल कर देना है भूत, मतलब उसको चिन्ह बदलते समय गोल कर दीजिए, हम जोड़ने पर बना देते हैं, जोड़ने पर हम बना, ऐसा आप जोड़ने पर नहीं बनाया है क्यों, क्योंकि भाई अगर कोनो कोनो सवाल में यहाँ भी प्लस आया था तो उपाय क्या है, घटाने पर ही बनाएंगे, तो घटाने पर सबसे सुधा है कि इस वाला को जोड़ घटा कर लीजिए कि, चलिए तो आप देखिए क्या कर लें, अब देखिए तो ये 8 और 6 14 वाई बराबर 20 में 6 गया 14, तो वाई बराबर क्या हो गया 14 गुना में धरा के भाग में 14, वाई बराबर क्या हो गया 1, तो वाई के मान एक आया ना, तो वाई के मान कौन में, समीकरण एक दो, बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए, समीकरण एक में दो में, एक में रखने पर आप कोने में रखिए, एक में रखिए दो में रखिए बात बराबर है, चलिए क्या 3x प्लस 4y बराबर 10, अब देखिए y के मान है ना तो 3x प्लस 4 और गुना में y, देखिए 4y है तो 4 के साथ y है, 4 और y के बीच में कोई अंक नहीं कोई चिन्ह नहीं तो गुना, और y के मान कितना है 1 बराबर में 10, अब गुना कीजिए पहले गुना कीजिए 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर में 10, क्या 3x में 4 जुटेगा, 3x में 4 जुटेगा, अरे भाई x वाला है बिना x वाला है, x रहता ना जुटता जोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, चलिए अब देखा जाए अभी बिना एक्स वाला उधर भेजिए वो बिना एक्स वाला 3x बराबर 10 प्लस जरा के माइनस 4 तो हो जाएगा 3x बराबर कितना 10 में से 4 गया तो 14 की 6 6, अब देखिए अब 3 को उधर भेज दीजिए
एक्स बराबर छह गुना में जरा के भाग में एक्स बराबर दो आ गया। कोई दिक्कत साबित करना हो आंसर कैसे आया और सही है गलती है तो क्या करेंगे वाई के मान एक रख दीजिए एक्स के मान दो रख दीजिए। आइए साबित कर लेते हैं। तीन गुने एक्स के मान कितना निकला दो प्लस चार गुने वाई के मान कितना निकला एक तो क्या हो गया तीन दुना अब कितना है दस यावन तीन दुना छ चार है कम चार छः चार दस ना पुड़ गया है दूसरों में रख कर देख लीजिए दो गुना एक्स के मान कितना है दो माइनस दो गुना वाई के मान कितना है एक अब बराबर में तो दो देख दो दूना चार माइनस दो कम दो चार में से दो क्या दो ना पुड़ गया साबित कर लीजिएगा ठीक है। इसे अब कहिएगा सर वो जोड़ने पर बता दीजिए भाई इसमें दो से गुना करो जोड़ने पर लिखो आप समीकरण दो में भी रखेंगे रख के दिखा देते हैं दो एक्स माइनस दो वाई बराबर कितना हो गया दो तो दो एक्स माइनस दो गुने वाई के मान कितना वाई के मान एक बराबर में दो तो दो एक्स माइनस दो कम दो बराबर दो अब दो एक्स में से दो नहीं कटेगा दो को उधर भेजो दो एक्स बराबर ये दो है माइनस इधर आ गए प्लस दो तो दो एक्स बराबर कितना हो जाएगा चार एक्स बराबर कितना चार है गुना में इधर आ गए भाग में दो एक्स बराबर कितना होगा दो। कोई दिक्कत आया दोनों जगह चलिए इसको मिटाए चलते हैं हम लोग अगला विधि प्रतिस्थापन पे ठीक है। आइए सवाल करेंगे टेंशन नहीं लीजिए सवाल करेंगे सारा समझ में आने वाला है टेंशन नहीं लीजिए ठीक है। आइए ये हो गया आपका लुप्तिकरण विधि समझ में आ गया प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि थोड़ा इसको इंक पिला देते हैं ठीक है। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है अगर एक्स प्लस वाई बराबर चौदह थोड़ा देर चलेगा और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है चार है तो कोई भी समीकरण चले समीकरण एक या एक या दो से चलना होता है सीखिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिए एक या दो से चलेंगे किसी एक का मान निकालेंगे वो होगा समीकरण तीन उसका मान दूसरा में रखेंगे नहीं समझ में आ रहा भाई ये करते हैं समीकरण किससे चले एक या दो से बढ़िए बढ़िए समीकरण एक से चलें समीकरण एक से लिखिए समीकरण एक से क्या एक्स प्लस वाई बराबर चौदह आप एक्स का मान निकालिए या वाई का कुछ निकालिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा चौदह प्लस वाई जरा के माइनस वाई सम एक्स का मान निकल गया आए एक्स का मान निकल गया निकला एक्स का मान अगर निकल गया तो एक्स हम किसे चले हैं एक से चले हैं एक से चले हैं ना तो एक्स का मान समीकरण दो में रख दीजिए। अब लिखिए एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर अभी तो एक एक क्वेश्चन कर रहा नहीं आगे से निकल रहा होगा दो चार क्वेश्चन करेंगे अपने यहाँ समझ में आएगा टेंशन नहीं लीजिए। चलिए तो समीकरण देखिए क्योंकि हम अभी एक से चले हैं समीकरण एक से चले हैं एक का हल निकाले एक से निकाले हैं ना वाई के भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं वाई बराबर लिख सकते हैं चौदह माइनस एक्स क्योंकि एक से लिखे हैं अब बराबर में चौदह इधर प्लस उधर आगे माइनस वाई एक्स या वाई का मान निकालना ही पड़ता है ठीक है। और जो निकलता है ना उसको दूसरा समीकरण में पुट कर देते हैं आइए समीकरण दो क्या है एक्स माइनस वाई बराबर चार किसका मान निकाला एक्स एक्स जब क्या चौदह माइनस वाई रखते हैं एक्स जब क्या रखते हैं चौदह माइनस वाई ये माइनस वाई रह गया बराबर में हो गया चार और माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस टू आई आई प्लस चौदह रखे क्या माइनस चौदह तो बराबर में चार है प्लस चौदह रखे माइनस चौदह तो माइनस टू आई बराबर माइनस चौदह में से प्लस चार के तो माइनस दस माइनस से माइनस कैंसिल वाई बराबर दस बटा दो यानी कि हो गया पाँच वाई बराबर क्या निकला पाँच रे वो उस मान में निकला था पाँच और वाई के मान किसमें रखिएगा इसमें 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 इसको मान लीजिए आप समीकरण तीन भी मान सकते हैं मान लीजिए समीकरण तीन तो वाई के मान समीकरण तीन में और आसान है वाई का के मान समीकरण तीन में रखने पर कोने में रख दीजिए कोने में रख दीजिए एक में भी दो में भी तीन में कोने रखिए एक दो में तो रख कर निकाले होंगे कि निकाले होंगे पांच आया हुआ है आइए एक्स बराबर क्या है चौदह माइनस वाई तो एक्स बराबर चौदह वाई के मान है वाई के मान कितना है पांच है तो रख देंगे हम यहाँ पाँच से एक्स बराबर कितना के नौ आना गया वही पहला सवाल है आप कहेगा सर हम समीकरण दो से चलेंगे चलिए दो से चलते हैं समीकरण दो से एक्स प्लस वाई बराबर चौदह है ठीक है एक्स माइनस अब कहते सवाल वही रहने दीजिए चलिए समीकरण डायरेक्ट लिखेंगे दो से समीकरण दो ना कहिए सर हम पहले वाई के मान निकालेंगे एक्स का नहीं वाई का तो क्या हो गया यहाँ वाई लेंगे तो वाई ले लेंगे अब बराबर में क्या आ जाएगा चौदह इधर प्लस एक इधर आगे माइनस एक समीकरण तीन हो गया समीकरण तीन तो वाई बराबर क्या हो गया चौदह माइनस एक्स होना गया अब ये वाई का मान क्या लिखेंगे वाई का मान क्या लिखेंगे समीकरण कौन में देखिए एक कैसे चल रहा है अभी एक कैसे तो दो में रखेंगे समीकरण दो में
रखने पर, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए क्या हो जाएगा ये, अब देखिए ये y के जगह पे क्या रखना है, y के मान 14 माइनस x क्या रखना है, हमारा ग्राफ खत्म हो चुका है। देखिए x माइनस y ले लीजिए बराबर में 4 ले लीजिए, कोई दिक्कत। y के जगह पे क्या रखिएगा 14 माइनस x, जहां y है वहां आइए x, ये माइनस के माइनस, ये y के जगह पे 14 माइनस x, तो देखिए 14 माइनस x की वाला देखिए है ना, निकाले हुआ ना y बराबर, तो समीकरण x चले है ना, तो वही समीकरण x हम पहले इसमें x का निकाले थे, अब y का निकाल लिए हैं बराबर में 4 के 4, ये माइनस से पहले गुणा होगा ठीक है, ये x का x हो गया, ये माइनस से गुणा हुआ 14 में तो माइनस 14, माइनस से माइनस x में तो प्लस x हो गया, बराबर में हो गया 4। अब ये x और x कितना हो जाएगा 2x, अब बराबर में कितना हो गया 4, ये माइनस 14 इधर आके प्लस 14, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 14 4 18, तो x बराबर कितना हो गया 18 बटा 2, तो x बराबर हो गया 9। अरे रे रे रे, कहां से आप निकालिएगा, किधर जाइएगा, सब जगह आंसर वही आ रहा है। अब रख दीजिए x के मान कौन है समीकरण इसमें, x के मान यहां x पर 9 रखिएगा, 14 में से 9 गया 5, y के मान आ जाएगा ना 5, आया कि ना आया, समझ में आया ना। अब चलते हम लोग किस पर, हो गया प्रतिस्थापन, ये आसान क्वेश्चन था, इससे हार्ड क्वेश्चन कराएंगे अति तुलनात्मक पर, तुलनात्मक का ये कर ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पर, एक्सरसाइज पर ठीक है, थोड़ा ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है वीडियो तो दिक्कत होता है ठीक है। आइए तुलना, इसी को तुलनात्मक बनाते हैं, आइए तुलनात्मक में हम क्या करते हैं, थोड़ा इंक पिला देते हैं, देखिए थोड़ा इंक हम पिला देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा इस मार्कर को हम इंक पिला देते हैं ठीक है। चलिए हो गया, देखा जाए थोड़ा, आइए क्या आइए x माइनस y बराबर हो गया 4 है ना, तो हम क्या करेंगे समीकरण एक और दोनों से चलेंगे, तुलना करना है, तुलना 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 दोनों एक रंग मारिए, समीकरण समीकरण किससे, एक से क्या, x प्लस y बराबर 14, किसका मान निकाले, x का कि y का, x का निकालिए या y का किसी का निकालिए, जिस x का निकालिएगा तो इसमें भी x से का निकालना पड़ेगा ठीक है, तो x बराबर निकालिएगा तो x बराबर क्या 14 प्लस y इधर आके माइनस y, समीकरण क्या हो गया 3, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे क्या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो इसमें x का मान निकालिए, इसमें भी x का मान निकालिए, लिखिए x माइनस y बराबर है 4, तो x का मान निकाला ना, इसमें x का मान निकाला है तो x बराबर हो जाएगा ये 4 इधर माइनस इधर आके प्लस, आई हो गया समीकरण 4। तो अब समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, क्योंकि तुलनात्मक है, क्या नाम है इसका, तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि है कि नहीं हो, तुलनात्मक विधि, और लग रहा है दाना से बेसी हो गया। चलिए तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, क्योंकि दोनों तुलना कर रहे हैं कि हम थोड़ा ज्यादा कि तू हमारा ज्यादा की, तो यो एक से यो एक पहले गुण, एक्स एक्स पहले गुण है ना, एक्स हो ना गया, तो आप बराबर में लिखिए ना, बराबरी कर रहा है दूसरे से तुलना कर रहा है, तो 14 माइनस वाई हो गया, आई हो गया 4 प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं ना, ना ना कोई दिक्कत, देखा जाए भाई यो निकला है आपका एक्स के मान, यो निकला है आप एक्स के मान, एक्स एक्स पहले गुण, तो दोनों एक्स के मानना है, यो एक्स के मान से तुलना करा देंगे, यो एक्स तुलनात्मक है क्योंकि दोनों में वाई का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब तुलना कराई 4 को उधर ले आई, वाई को उधर ले आए, ये 4 को उधर लाएंगे 14 इधर में प्लस इधर आके माइनस 4 बराबर में वाई है ना, हो वाई ई देखिए बराबर बाद वाई है ना, इधर से माइनस इधर आके प्लस है, देखिए समझिए फिर समझिए थोड़ा सुनो, ये 14 है ये प्लस 4 है, ये 4 को उधर ले आते हैं माइनस वाई को उधर ले आते हैं, तो ये 14 इधर 4 प्लस में था इधर आके माइनस में, बराबर बाद वाई है ये माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, तो वाई वाई टू वाई, आई 14 में से 4 गया कितना होगा 10, तो वाई बराबर कितना हो गया 10 बटा 2 ना, वाई बराबर 10 गुना में भाग में 2, वाई बराबर 5, कैसे निकालिए कौन विधि से निकालिएगा, निकाल लीजिए आंसर क्यों लगाएगा। अब वाई के मान किस में 1 2 3 4 1 2 कौन में रख दीजिए, वाई के मान, वाई के मान समीकरण किस में रखे, किस में रखे, किस में रखे, तीन में रखिए, तीन में समीकरण के यहाँ पर समीकरण 3 में रखने पर, आइए समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण नहीं क्या है x बराबर 14 माइनस y, आप देखिए x बराबर 14 अगर प्लस 5 है माइनस में 5, x बराबर कितना हो गया 9, आया कि नहीं, यहाँ भी रखेंगे तो x के कहाँ x बराबर 4 प्लस 5, 4 5 9 9 हो जाएगा। आइए अब चाहिएगा सर y के निकाल के तरीका बताना दीजिए, आइए बताइए देते हैं,
वीडियो ज्यादा लेंथ वगैरह कटेंगे इसको, डाटा एक्सरसाइज में बताएंगे। चलिए चलिए आ देखा जाए, देखा जाए देखा जाए देखा जाए क्या है समीकरण एक से, समीकरण एक से कोई दिक्कत क्या, समीकरण एक एक्स प्लस वाई बराबर चौदह, अब वाई के निकालेंगे, वाई बराबर बराबर क्या चौदह, इधर प्लस इधर आगे माइनस एक, समीकरण इसको मान लेंगे तीन क्योंकि एक दो तो है ही ऑलरेडी। फिर क्या करेंगे समीकरण किससे, समीकरण दो से, समीकरण दो से करेंगे, दो क्या है एक्स माइनस वाई बराबर चार, तो वाई है तो वह है माइनस वाई बराबर क्या है चार, प्लस इधर आके माइनस एक्स, कोई दिक्कत बराबर चार प्लस इधर आके माइनस एक्स, सब तरह दोनों तरफ माइनस से गुना कर दें ना छोड़ दीजिए यहाँ चार, कोई दिक्कत है ना ना कर देंगे तो सर यहाँ वाई है माइनस वाई है घबरा जाएगा कि दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस वाई, यहाँ माइनस से गुना करेंगे माइनस चार, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस एक्स, कोई दिक्कत ये हो जाएगा चार, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर लिख दीजिएगा ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए तो अब क्या करेंगे समीकरण किसको, समीकरण तीन को और समीकरण तीन और चार को तुलना करने पर, तुलना करने पर चलिए देखा जाए क्या है वाई बराबर यो वाई यो वाई 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 गया ये हो गया चौदह माइनस एक्स बराबर ही क्या हो गया माइनस चार प्लस एक्स, अभी माइनस चार को इधर लाइए खसीट के कान पकड़ के एक्स को उधर लाइए एक्स के साथ, ये माइनस चार इधर आके प्लस चार, इधर चौदह था माइनस इधर आके प्लस चार बराबर के बाद एक्स बराबर से पहले माइनस इधर आके प्लस एक्स, ये हो गया एक्स एक्स टू एक्स, ये चौदह चार अठारह, तो एक्स बराबर क्या हो गया ये अठारह बटा में ये वाला दो, अरे भाई कैसे निकालिएगा एक्स बराबर नौ यही आया कि ना आया, अब रख दीजिए कोने में मान ठीक है, तो हमने बता दिया अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशन ठीक है, तब तक इसको रिवीजन कीजिएगा बनाइएगा दोबारा कभी पे ठीक है, फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा, एक बार नहीं समझ आया दोबारा जरूर देखिएगा ठीक है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।